अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे कोकोनट माउंटी केक। ये बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये हाफ कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, 1 कप मैदा लिया है, तकरीबन 3/4 कप चीनी ली है बारीक पिसी हुई, 2 चम्मच मैंने कोको पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, 3 से 4 चम्मच मैंने कोकोनट शेविंग ली है, 2 चुटकी नमक लिया है। इसके बाद ये मैंने बटर मिल्क बनाया है। बटर मिल्क हमने कैसे बनाया है कि हाफ कप दूध ले लिया है और हाफ कप दूध में मैंने 1 चम्मच विनीगर का मिक्स कर दिया है और इसको तकरीबन हमने 10 मिनट रख देना है। ये हमारा बटर मिल्क बन जाएगा। उसके अलावा मैंने ये 2 अंडे लिए हैं, तो अब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाफ कप कुकिंग ऑयल में 2 चम्मच सॉरी 3/4 हमने ले लेनी है चीनी बारीक पीसी हुई। आप नॉर्मल भी ले लेंगे पर इसे शिकाइए वो ज़्यादा सही रहती है। आप इसको हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मेरे पास इलेक्ट्रिकल है तो मैं कर दूँगी। को हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें दोनों अंडे एक एक करके ऐड कर रहे हैं। एक अंडा ऐड करना है, उसको हमने ब्लेंड करना है। इसको अब हम उतने टाइम तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेते। ये देखें, ये इनका लाइट कलर हो गया। अब इसमें हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। 1 कप मैदा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, 2 चम्मच कोको पाउडर और ये 2 चुटकी सॉल्ट। अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। ये देखें, ये अच्छी तरह ब्लेंड हो गया है। अब हम इसमें जो हमारा ये कोकोनट था ये डाल देंगे और जो हमारा ये बटर मिल्क बना हुआ था वो डाल देंगे। हम इसको ब्लेंड कर देंगे दोबारा। देखिए, ये हमारा अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसको मोल्ड में डाल के कर लेंगे बेक। बेक हमने इसको करना है विदाउट ओवन। आप ओवन में भी कर लें लेकिन स्टोव पे मुझे इजी रहता तो मैं स्टोव पे करूँगी। मुझे स्टोव पे बेक हुआ ज़्यादा मज़े का लगता है। अब हमने ले लिया है कोई भी मोल्ड ले लें, केक वाला मोल्ड है तो केक वाला मोल्ड ले लें, नहीं तो ये जो बर्फ वाला कोल्ड है वो ले लें। वो लेके उसको हमने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है, अंदर हमने मैदा डस्ट कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई है कि नीचे से चिपक जाएगा तो कोई भी पेपर ले लें। अगर 5 मिनट पेपर नहीं है तो ये पेपर हम नीचे रख देंगे। अब हम ये सारा इस मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। ये हमने पतीला तकरीबन 5 मिनट पहले दम वाली आंच पे खिला दिया था। अब हम इसमें ये स्टैंड रख देंगे। अगर स्टैंड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट रख दें।
मोल्ड को। अब हम इसमें ये मोल्ड अपना केक वाला रख देंगे और ऊपर से ढक्कन दे देंगे और ढक्कन दे के हम ऊपर कोई बस नहीं चीज़ रख देंगे और इसको हम 35 to 40 मिनट्स तक बेक कर लेंगे। मैंने इसको 30 मिनट्स बेक कर लिया था, उसके बाद मैंने 5 मिनट चूल्हा बंद करके ढक्कन नहीं खोला। अब ढक्कन खोलते हैं और चेक करते हैं कि हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। केक चेक करने का ये है कि कोई भी नाइफ ले लें या कोई भी टूथपिक ले लें, हम ये मिडल में एंटर करेंगे। देखिए बिल्कुल टिप साफ है, दैट मीन्स ये अंदर तक सारा बेक हो गया। हम इसको निकाल के कूल डाउन कर लेंगे। केक मैंने डीमोल्ड कर लिया है, ये बहुत ही सॉफ्ट केक बना है। अब हम इसको कूल डाउन करके फिर इसके ऊपर गार्निश करेंगे और सर्व करेंगे।